हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट नंबर 2। जैसे कि मैंने पिछली वाली प्लेलिस्ट में जो मैंने अभी एक यूनिट डाल दिया, यूनिट 1 पूरी प्रॉपर तरीके से, अब आपको बस क्या करना है, उसे आराम से देखना है। बाकायदा फ़ोटो खींच के मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए, तो भाई सीधी सी बात है, आप आराम से पढ़ सकते हो यूनिट 1। अब यूनिट 2 की चांस है, तो पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में अंदर के मैटर थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको इजी समझ में आ जाए, मैंने इसलिए उन टॉपिक्स को डिवाइड कैसे किया है। यूनिट 2 का नाम है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ाया गया है, पर्सनैलिटी पे, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स पे, लर्निंग पे और परसेप्शन एंड इमोशंस पे। तो मैंने पर्सनैलिटी, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, लर्निंग और परसेप्शन इमोशन की सबके अलग अलग वीडियो बना दी है, जिसमें मैं ऐसे लिखूंगा कि यूनिट 2 का पार्ट ए, यूनिट 2 का पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 4। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और लंबी वीडियो देखकर बोर भी नहीं होगे, ठीक है। तो हर चीज़ को देख के मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए, जिसका नाम है पर्सनैलिटी। क्या नाम है? पर्सनैलिटी। अगर आपसे कोई पूछता है पर्सनैलिटी क्या होती है, तो इसका मतलब होता है पर्सनैलिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज डैट मेक्स इंडिविजुअल सेपरेट। मतलब पर्सनैलिटी एक तरीके से वो क्वालिटी होती है जो लोगों को बाकियों से अलग करती है। समझ में आया या नहीं आया? तो सीधी सी बात क्या हुई कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है वो क्वालिटी लोगों की जो लोगों से अलग करती है किसी व्यक्ति को, उसे क्या बोलते हैं हम? पर्सनैलिटी। कोई डाउट? अब बात करते हैं पर्सनैलिटी बनती कैसे। तो पर्सनैलिटी बनने के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला फैक्टर होता है बायोलॉजिकल। कि पहला फैक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो क्या है बायोलॉजिकल? अब बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि भाई आखिर हमारी हेरिडिटी कैसी है, हमारा ब्रेन कैसा है, हमारा फिजिकल फीचर कैसा है। तो भाई बायोलॉजिकल में आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो सोचने समझने की शक्ति, और दूसरा ब्रेन कैसा है हमारा, हमारी फिजिकल फीचर कैसे हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है फैमिली, कि भाई हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर स्ट्रक्चर कैसा है, हम किस पैटर्न से बात कर रहे हैं, इस तरीके से। थर्ड है हमारा सिचुएशन, कि आखिर ये जो व्यक्ति है सिचुएशन में किस तरीके से काम करता है, हर जगह मुंह फाड़ के रखता है, जब बिल्कुल शांत रहता है काम तरीके से, या किस तरीके से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर, कि भाई आखिर ये किस कल्चर से आके निकला है, कि ये बहुत नैरो माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, किस चीज़ से बिलोंग करता है। और लास्ट है इंटरेस्ट, कि इस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये बड़ा डेडिकेटेड है, ये स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ रखता है, या पॉलिटिकल अवेयरनेस में रहता है, किस तरीके से रहता है। तो किसी भी चीज़ की पर्सनैलिटी के फैक्टर कितने होते हैं? 5। बायोलॉजिकल, फैमिली, सिचुएशन, कल्चर और इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि भाई पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब जो पेपर में इंपॉर्टेंट है इस पर्सनैलिटी टॉपिक से, वो सिर्फ 2 टॉपिक है। एक है बिग 5 ट्रेट्स मॉडल, ये तो ये मान लो पेपर में आता बहुत ज़्यादा है, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। क्या है कि बिग 5 ट्रेट्स मॉडल होता क्या है? बिग 5 ट्रेट्स मॉडल का मतलब होता है कि आखिर अगर हम बात करें तो एक पर्सनैलिटी बॉय को होना कैसे चाहिए, वो 5 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है ओपननेस। पहला क्या है? ओपननेस। कि जो भी पर्सनैलिटी बॉय है या कोई भी व्यक्ति है, वो होना चाहिए ओपननेस। अब ओपननेस का मतलब ये नहीं था खुला हुआ, मतलब कि उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि वो कंडीशन देख के बदल जाए, और वो इमेजिनेशन होना चाहिए, वो चीज़ों को सोच विचार रखता हो, ठीक है। तो इसका मतलब था ओपननेस। तो जब आप इसे पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मानो पेपर में बिग 5 ट्रेट्स मॉडल आ गया, तो हेड डाले बिग 5 ट्रेट्स मॉडल, तो नंबर 1 पे ओपननेस, इसके अंदर इन पॉइंटों को लिखोगे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना, तो ज़्यादा मैटर मिल जाएगा। सेकेंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सेकेंड पॉइंट क्या है बिग 5 ट्रेट्स का? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कि बंदा जो है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिस्टम से काम करने वाला होना चाहिए, प्लस वो बहुत ऑर्गेनाइज हो, काम को ऐवे नहीं कि अब ये कर दिया वो कर दिया, वो काम को एक ऑर्गेनाइज हुए करे, एक सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल संगठित हुए काम को करे, ठीक। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब क्या होता है? एग्रीएबलनेस का मतलब होता है जो ये नहीं सिर्फ अपने अपने चलाए, वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और साथ में उस पर हम ट्रस्ट कर सके, ऐसे को बोलते हैं हम एग्रीएबलनेस। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्टनेस। एक्सट्रोवर्टनेस का मतलब होता है जो बहुत टॉकेटिव लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या फिर बहुत खुले होते हैं, जो समाज में बैठने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम क्या? एक्सट्रोवर्टनेस, जो बहुत खुले हुए होते हैं। फिर दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी। भाई सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति भी हो पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए जो सिक्योर हो, मतलब प्रोटेक्टिव हो, ये नहीं कि वो अपने इमोशनल चीज़ों को सबके सामने ओपन करके और वो बह जाए, ऐसा नहीं। तो वो सिक्योर होना चाहिए, सेटिस्फाइड और हैप्पी रहना चाहिए। ऐसे ये 5 ट्रेट्स जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको सबसे ज़्यादा रीड करना, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, कि ये बताइए भाई कि ये टाइप ए और टाइप बी मॉडल क्या थे। तो टाइप ए और टाइप बी मॉडल के बारे में बताऊँ
तो मायर फ्रीडमैन ने ये कहा था कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी वाइज की बात करें तो दो तरह के टीम कॉम्बिनेशन होते हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए के मायर फ्रीडमैन बोलते हैं कि भाई हमारी टीम जो है वो बड़ी मेंबर एम्बिशियस होते हैं, वो हमेशा अपना स्टेटस देख कर शो करते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं, बट अगर इनकी बात करें तो ये टेंडेंसी रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, जितनी उनमें एबिलिटी है उससे भी ज़्यादा काम करने की। बट इनमें कमी क्या है कि ये जब कुछ अचीव कर लेते हैं बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फेल होने पे क्या करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम टाइप ए। बट मैं अगर टाइप बी की बात करूँ, या पहले टाइप एक बार दोबारा समझता हूँ, टाइप ए मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसके मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिविजुअल कैसे होते हैं, भाई मायर फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इसमें वो बंदों को लिखा जाता है जिनके मेंबर्स बहुत एम्बिशियस होते हैं, जिनमें जितने कैलिबर है उससे ज़्यादा काम करने की सोचते हैं, जो टारगेट अचीव हो जाए तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और फेलियर होने पर बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं और हमेशा टेंशन भी रहते हैं, ऐसे बंदों को बोलते हैं टाइप ए थ्योरी। ठीक है, दूसरा टाइप बी, ये रे रॉजमैन ने निकाली है और ये बोलता है कि भाई हमारी जो कंपनी के बंदे हैं वो रहते हैं कम स्ट्रेस में, दूसरी बात ये कंपटीशन देखते हैं ये नॉन कॉम्पिटेटिव रहते हैं, और दूसरी बात ये सक्सेस होने पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी नहीं करते, मतलब इंजॉय भी करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते, और फेलियर होने पर टेंशन भी नहीं लेते, कहते चलो कोई बात नहीं इस बार तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप ए टाइप बी। इतना समझने के बाद आपका जो है पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर भाई। और इसमें जो अगर मैं तुम्हें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको पढ़ना पड़ेगा पर्सनैलिटी किसे कहते हैं और इसके फैक्टर्स और एक ही फाइव ट्रेट्स पढ़ लेना, टाइप ए टाइप भी बहुत स्मॉल से हैं। तो अगर दोस्तों ये चीज़ आप समझ लोगे तो पेपर में थोड़ा और आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो पर्सनैलिटी की तो मैं आपको जैसे ये पोस्ट कर दूंगा इतने में आपके एक और इसका पार्ट आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। तो दोस्तों आज मैं पूरी आपकी प्लेलिस्ट पूरी कर दूंगा ताकि आपको आगे आने वाले पेपर में कोई दिक्कत ना हो, बस इसको प्रॉपर देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आपका, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स।